हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ। और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा धुंधला सा हो रहा है। और आज है संडे, तो हम जा रहे हैं मम्मी उनके घर, क्योंकि मम्मी उनके घर आज गेस्ट आने वाले हैं। तो मम्मी ने बोला है कि आ जाना, और संडे भी है। तो वैसे भी कभी हो जाता है ना कि संडे, सैटरडे संडे सानवी का भी ऑफ रहता है और बड़ी दीदी के बच्चों का भी ऑफ रहता है, तो हम एक ही जगह मिलते हैं, या फिर उनके घर या फिर मम्मी के घर। तो बस उसी के लिए फटाफट से अभी रेडी होते हैं, अभी रेडी नहीं हुए हैं। तो सानवी को अभी रेडी करना बाकी है और मुझे भी रेडी होना बाकी है, तो फटाफट से रेडी होते हैं और पहले घर जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है ना। चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं मम्मी के घर और यहाँ पे सानवी बना रही है और यहाँ पे आंटी बना रही है पकौड़े, क्योंकि गेस्ट लोग आ चुके हैं, तो वो बना रही है पकौड़े और मैं बना रही थी चाय। तो नविका सबसे लास्ट में आई, तो उसे लगा कि कैसे आऊँ मैं ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए थे, तो इसलिए वो छू के पैर चुके। और सानवी इस पर झपट्टा मारने वाली है, ओ माई गॉड। और जस्ट अब नविका ने सोचा कि आ ही गई हूँ तो मैं भी पकोड़े बना लेती हूँ। तो फिर नविका अंधी गई है बाहर बांटने के लिए और नविका यहाँ पर पकोड़े बनाते बनाते कुछ बोल रही है और अंधी अपनी हालत दिखा रही थी कि हम कैसे लग रहे हैं, इतना अच्छा सूट पहन के एप्रन पहन। और यहाँ पे सब लोग गप्पे मार रहे ताकि किसी को भी अपॉर्चा ना मिले, तो मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा, फिर भी वो हंसते जा रहे। और अब करते हैं लंच टाइम। तो जस्ट अभी अंधी ने पूरियाँ बनाई, तो वो थक गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी बना लेती हूँ, थोड़ा उनकी मदद हो जाएगी पूरी। और यहाँ पे सब लोग लंच कर रहे हैं, मम्मी सबको सर्व कर रही थी, अनदी मम्मी कभी इधर सर्व कर रहे थे, कभी उधर सर्व कर रहे थे, और ऐसे ही चलता जा रहा। तो यहाँ पे अनदी सबके लिए गुलाब जामुन ले जा रही है और यहाँ पे नविका अब रोटी पे आ गई है। पहले हम दोनों ने पूरियाँ बनाई और उसके बाद अब नविका रोटी बना रही है कि जिसे रोटी खानी होगी वो रोटी खा लेगा और जिसे पूरियाँ खानी हो पूरियाँ, और चावल भी तो बनने पड़े हैं ना, तो इतनी रोटी हमें बननी बाकी है अभी। जस्ट अभी मेरा खाना तो हो गया और सारे मेहमानों का खाना हो गया। मेहमानों खाने के बाद सब खाने पे ऐसे टूटे दिखाते हैं, ये देखो मेहमानों को खाने के बाद खाने पे ऐसे टूटते हैं सब, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई, मतलब देर हो गई। बढ़िया, इसने अपने मुंह में देखो अभी क्या ले रहा है, पकौड़ा है वो, जो भी है खा ले बेटा, खा ले बहुत खा लो। तो खाई चलियो, दो आए थे जो ही चिपकी लरी, ये चार पांच से आल खाने पर मांझिल भाग गए। चलो अब हम भी फटाफट भागते हैं। सो गाइस, गेस्ट के साथ हमारा पूरा दिन ऐसा रहा, कहीं कहीं भी मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने घर आके थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया। और जब वो लोग चले गए थे, अभी वो चले गए, तो हमने सोचा कि हम पार्टी करेंगे। और पूरे दिन भर तो हम ऐसे ही रहे, खैर कभी कुछ बनाने में, और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो भाई और मेरे हस्बैंड गए हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए हमारे लिए, अब देखते हैं कि वो क्या लेके आते हैं और उसके बाद हम करेंगे पार्टी और फिर देखेंगे क्या होता है। जो तुम्हें खाना हो। आज हमारी यहाँ पे पार्टी होने वाली है, इसमें आया बहुत सारा सामान, देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओ माय गॉड, आलू बम कौन ला रहा था यहाँ पे हमारी पार्टी के दर्शक। अब तो दिवाली चलेगी। पापा के लिए बुला। सो गाइस, भाई लोग, मतलब भाई और मेरे हस्बैंड ले गए थे बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपने देखी, जलेबी, समोसे, जलेबी, गोलगप्पे और टिक्की, चाट, मोमोज, बहुत सारी वैरायटी लेके आ गए थे, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी है हम टेस्ट करेंगे। और पूरा दिन हमारा ऐसे ही रहा था, कल दिन में हमने बनाया था चिकन और पनीर और पूरी एंड चावल, तो मेरे को इतना बढ़िया मज़ा नहीं आया खाने में, मतलब खाना तो टेस्टी था लेकिन पेट स्पाइसी बन नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लाइट खाना हमने उनके हिसाब से बनाया था, मतलब विदाउट स्पाइसी वाला, तो उसके हिसाब से नॉर्मल खाना, तो हमने सोचा कि कुछ स्पाइसी सा मंगाते, तो हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्वान्टिटी में सारी चीज़ें ली थी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ स्पाइसी। और तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन और आज का ब्लॉग और पूरा दिन। हम मतलब सुबह हम चले गए थे 11 बजे के आसपास और जस्ट थोड़ा देर के बाद वो भी आ गए थे, तो जो फिर उसके बाद तो वही चाय पानी खाना और ऐसे ही चलता रहा, थोड़ी देर गप्पे गुप्पे, बस नॉर्मली चलता रहा।
और फिर उसके बाद हम आ गए थे रात को, हम आए 8 बजे के करीब हम घर आ गए थे। और फिर उसके बाद मेरे को सोचा कि ब्लॉग एंड करने का टाइम मिला और ना ही वीडियो पूरा एडिट करने का टाइम मिला, जस्ट मैंने आज ही वीडियो एडिट की और पूरा ब्लॉग भी जितना मेरा रह गया था सारा ब्लॉग मैंने एडिट किया। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। और नेक्स्ट वीडियो सोचूंगी कोई बढ़िया सी हो, कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग सा हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। जय माता दी, राधे राधे।